भक्ति से हम वंचित हैं। यहाँ से आगे की कथा गिरिराज जी महाराज की शुरू होती है। महाराज दीपावली का समय आ गया। प्राचीन काल में जब गोवर्धन का पूजन नहीं होता था तो आप जरा समय पर जाओ, इस समय आप गांव में चले जाओ, अगर गांव में आप जन्मे हो तो। गांव में इस समय पर खेती में क्या होता है, किसान सब कुछ बो चुके होते हैं और छोटे छोटे पौधे ऊपर आ जाते हैं, चने के, अलसी के, मटर के, सारी चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। इस समय थोड़े से फुर्सत में होते हैं और जब वाले आदि आ जाते हैं तो फिर इंद्र का पूजन करते हैं, उन्हीं चीज़ें से, जन्य चीज़ों से ही पूजन करते हैं, प्रकृति जन्य चीज़ों से। तो ये किसान लोग, नंद बाबा किसानों के मुख्य हैं, तो उन्होंने बहुत विशाल एक यज्ञ स्थल बनवाया, बहुत बड़ा यज्ञ स्थल बना, वेदियाँ बनी, समस्त यज्ञ के निहित ठाकुर जी की पूजा करने के निमित्त यज्ञ करने के लिए पूरी बड़ी बड़ी पात्रों में सामग्री तैयार की गई, विभिन्न प्रकार के फूल आदि लाए गए, सुगंधित द्रव्य रखे गए, पदार्थ भोग के लिए बना करके रखे गए। नंद बाबा दो तीन दिन से इस दिन में लगे हुए थे और आज जब पूजन शुरू होना था तो शिष्य में श्री गर्गाचार्य आदि वेद विदज्ञ ब्राह्मणों का समागमन हो गया। सुमैया यशोदा ने और रोहिणी जी ने बड़े लाल प्यार से कन्हैया को नहलाया, धुलाया, काजल लगाया, अचकन पहनाई, और वैसे ही तो काला कलूटा था, डिठोना और लगा देती थी कि कहीं उसको नज़र ना लग जाए, वो तो खुद ही काजल जैसा था तो उसको काय की नज़र रखने वाली। तो महाराज इस प्रकार से उसको डिठोना और लगा दिया और उसके बाद में एक कपड़े पहना दिए, और लेकिन लगता इतना प्यारा था, अभी आपको नहीं भरोसा हो तो आप बिहारी जी को देखाओ कैसे लगते हैं। नंद लला यदि होते ललित तो गले कट जाते करोणन के, ऐसा कहा किसी ने, ऐसे अद्भुत। सांवरे सरोने बलिहार तेरी सूरत पर, तो ऐसे श्याम सुंदर का जब पर्दा हटता है लगता है तो आंखें विकल हो जाती हैं उनको देखने के लिए, इतने सुंदर लगते हैं। तो ऐसे भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी का नहलाया, धुलाया, श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद में मैया ने कहा कि जाओ बाबा पूजा कर रहे हैं। बोले हो जा रहे हैं। बोले देखो वहाँ पर वो ब्राह्मण देवता लोग आए ना, बड़े बड़े ब्राह्मण देवता हैं। बोले हाँ, तो कहा उनको जाकर के ढोक देना, पहले उनको चरणों में सिर रखना, वो तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम जल्दी बड़े हो जाओगे। अच्छे भैया, हम सबको प्रणाम करेंगे और हमारी बांसुरी। बोले हाँ चुप कर, तेरी बांसुरी भी दे रहे, कहीं नहीं जा रही, और बांसुरी भी दे दी। अब उसके बाद में आए तो महाराज वेदज्ञ ब्राह्मण बैठे हुए थे, उनको लाला ने सिर झुका करके मस्तक पर रखकर, मस्तक रख करके जब प्रणाम किया, और उनको देखते ही महाराज वो वेदज्ञ थे, देखते ही पहचान गए तो साक्षात अद्भुत दिव्य रस मूर्ति भगवान है। देखते ही महाराज गर्गाचार्य जी की नज़रें लगी हैं तो टिकी की टिकी रह गई, क्योंकि इन्होंने ही नामकरण किया था, तब कहा था आसन वर्णास्त्र गण तोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णतामगता, ये भगवान है। सो देखते रह गए महाराज। उसके बाद में मैया ने ये कहा था, देख लाला बाबा पूजा कर रहे हैं तो तू थोड़ा दूर बैठना बाबा से, और जूठे मूठे हाथों से तू वस्तुओं को, जो चीज़ें रखी हुआ खाने पीने के, छूना मत अपने हाथ से, नहीं तो बच्चों की आदत होती है, गन्ना देखो तो आराम से उठा के खाते रहे। सो दूर बैठना कहा। हो मैया मैं दूर बैठूंगा। गए। अब महाराज पूजन शुरू हो गया और संकल्प कराया जाए, ओम विष्णु 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 राज्ञा प्रवर्तमान से अद्य ब्रह्मणो नहीं देती प्रार्थे। अब लाला ने देखा कि हमारी ओर तो कोई नहीं देख रहा है, लाला से कहा था दूर रहना, वो थोड़े खिसक करके पास में आ गए, और उसके बाद में मंत्र बोला, सहस्त्र शेर खा बुरखा सहस्त्राक्षा। अब लाला ने देखा कि कोई कुछ नहीं बोला तो धीरे से ये जो हाथ ऐसे रखे हुए थे ना संकल्प का, ये हाथ ऐसे उठाया और अंदर घुसक गए और अंदर बैठ गए गोद में। अब लाला, बाबा की आदत थी कि लाला अगर गोद में हो तो एक हाथ से पकड़ लेते थे, एक हाथ में संकल्प लिए हुए हैं और एक हाथ से लाला को पकड़े हुए संकल्प बोल रहे हैं, पूजन करवा रहे हैं। और उसके बाद में भी जब कुछ नहीं बोले तो लाला धीरे से खड़े हुए और कान में बोले, बाबा बाबा। बोले हाँ, बोलना क्या बात, एक प्रश्न पूछूं। कहा यही समय तुझे मिला प्रश्न पूछने का, नहीं थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न है। कहा अच्छा पूछ ले। बच्चे प्रश्न जब भी करें तभी उत्तर दे देना चाहिए ताकि बच्चों को ज्ञान मिल जाए। सबसे पहले बच्चे क्या पूछते हैं, संसार क्या है? तो क्या हमें नहीं मालूम, कहाँ से आया हमें नहीं मालूम। तो तुम्हें जब नहीं मालूम तो फिर बच्चा कहेगा हमें नहीं मालूम, इसलिए उत्तर देते रहना चाहिए। क्या प्रश्न पूछा मेरे गोविंद ने, 7 वर्ष की अवस्था थी। कथिताम में पिता कोयम संभ्रमो बहुपागिता,
किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखा। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, ये यज्ञ के द्वारा आप किसका पूजन कर रहे हैं, ये कौन है, यहां दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, आप यहां पर ऐसे फूल पर चढ़ा दे रहे हैं। अथ इति इंद्राय नमः, ये इंद्र है कहां, दिखाई पड़ता, क्या आपने कभी देखा इसको, क्या कभी आपके बीच में आया, का नहीं लाला देखा तो नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि ये देवता है कि नहीं है, बिना सोचे समझे पूजा तो नहीं करना चाहिए, कहा नहीं हमने देखा है। बोले कैसे देखा है, कहा आकाश में देख, तो लाला देखने लगे आपस में क्या है, बोले ये बादल, बोले फिर क्या हुआ, कहा ये जो बादल है ना ये क्या है, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। लाला ये जो मेघ है ना यही भगवान है, ये इंद्र के आत्म स्वरूप है, इंद्र की प्रेरणा से जब बरसते हैं तभी पानी बरसता है और उसके बाद में ही हम लोगों को ये सच्चे श्यामला खेती होती है, अगर ये पानी नहीं बरसे तो कुछ नहीं होगा घरों में, इसलिए इंद्र का पूजन करके हम उसको धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा से जल बरसा और उसके बाद में ये हुआ। अच्छा अच्छा ये इंद्र ही सब कुछ करते हैं, बोले हाँ, उन्हीं की कृपा से अनाज मिलता है, बोले हाँ, ये अनाज जो सब उन्हीं की कृपा से, बोले हाँ, तो फिर ठीक है एक बात कहूँ बाबा, बोले हाँ बोलो, कहा फिर कल से आप खेत पर मत जाना, न हल जलाना, न जोतना, न दाने डालना, न निराना, न पानी देना, बोले क्यों, बोले सब इंद्र कर देंगे, अगर इंद्र की ही कृपा से सब कुछ होता है तो आप फिर खेतों में जाकर के क्यों जाते हैं, सब इंद्र को करने दो। तो बोले लाला तू साफ साफ बात का टेढ़ी बेढ़ी बात कहता, सीधी कहना, कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। मनुष्य के जीवन में जो भी सुख दुख आता है वो उसके अपने कर्मों का परिणाम होता है। काहू न को सुखे दुखे कर दाता, काहू न को सुखे दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, लक्ष्मण जी निषाद से कहते हैं, ना कोई किसी को सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है, लोग अपने अपने कर्मों का परिणाम पाते हैं, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता जी का ज्ञान, जैसा कर्म करोगे वैसा, जैसा कर्म करते हैं जीवन में जो भी सुख दुख होता है वो हमारे अपने कर्मों का परिणाम ही होता है। तो कर्मणा जायते जंतु, बोले लाला उलझा करके बात मत कर, सीधा कह, फिर किस देवता की पूजा करें, नास्तिक हो जाए हम, किसी की पूजा नहीं करें, बोले नहीं नास्तिक बनने के नहीं कह रहे हैं, आप पूजा करो हमारे देवता की पूजा करो। तो नंद बाबा लो, लो जी कर लो इसकी बात, ये छह सात वर्ष का छोरा कह रहा है इसका देवता अलग है, अरे कुल के जो देवता होते वही होते ना, बोले नहीं हमारा देवता अलग, बोले तेरा देवता तूने देखा है, बोले हाँ हमने देखा है, कब देखा था, कहा था जब वो पूतना मौसी आई थी ना, बोले हाँ, बोले जब वो मुझे मारने आ रही थी तो उसी ने तो मारा उसको, देखो कितना झूठ बोलता है कन्हैया, आंख तक नहीं खुली थी तब, कहता है पूतना को जिसने मारा था वही मेरा देवता है, अच्छा वो दो पेड़ गिरे थे ना, बोले हाँ, बोले वो तो मेरे ऊपर आ रहे थे, तो गिरिराज भगवान जी आ गए और उन्होंने एक पेड़ को इधर गिरा दिया, एक पेड़ को इधर गिरा दिया, मेरे देवता तो गिरिराज जी है। अच्छा ये गिरिराज कौन देवता है, कहा ये वही देवता है, एक दिन बाबा गैया चरा करके हम लौट के आ रहे थे, रास्ते में मेरे पीछे एक हवा दौड़ा, सो जब हवा मेरे पीछे आया तो वही गिरिराज जी महाराज आए, उन्होंने मार करके हवा को भगा दिया और हमें बचा लाए। आप लोगों ने कभी हवा देखा है, कन्हैया ने देखा था, क्या गजब की गप्पे मारता था, कहा यही गिरिराज जी महाराज, कहा दिखाई पड़ता, बोले वो तो बहुत बड़े हैं से दिखाई पड़े, कहा बोले वो दिखाई पड़ रहे हैं,
लाला वो तो गोवर्धन पर्वत है। अरे पर्वत नहीं, यही भगवान है। सच बात है, भगवान ने श्रीमद् भागवत में प्रकृति शिक्षा की प्रेरणा दी है। पांच तत्वों की शुद्धि की है भगवान ने, मिट्टी खा करके पृथ्वी तत्व का शोधन किया, यमुना से काली नाग को निकाल करके जल तत्व को शुद्ध किया, तृणाव्रत का वध करके वायु तत्व को शुद्ध किया, व्योमासुर का वध करके आकाश तत्व को शुद्ध किया, मुंजाटवी में अग्नि का पान करके अग्नि तत्व को शुद्ध किया। पांचों तत्वों का शुद्धिकरण करते हैं। हमारे सामने आज ये समस्या है कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम बचाएं। श्रीमद् भागवत में एक प्रश्न भगवान कृष्ण कदम कदम पर लेकर के चलते हैं। ये पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी जब हमारे ये पहाड़ बचेंगे? ये पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी जब हमारे ये वृक्ष बचेंगे? पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी जब जमुना जी हमारी निर्मल होंगी? जिन जमुना जी को निर्मल करने के लिए भगवान ने श्याम सुंदर कालीनाग को बाहर निकाला, आज वो इन दिल्ली वालों ने कालीनाग फिर जोड़ दिया जहर साथ में। ये जो जितना भी पानी आ रहा है, ये गंदा पानी वहां से छोड़ा जा रहा है गटर का, और उसके बाद में मिलों का पानी जिसको हम स्नान करने के लिए हम बाध्य हैं। इसलिए आज गंगा जी को लाना नहीं है, मोदी जी को, योगी जी को लाना नहीं है, केवल लाई हुई तो है, उन्हें प्रशस्त करना है, उन्हें वस्त्र पहनाए, उन्हें उनकी पूजा करनी। हम लोग कैसी पूजा करते हैं कि उनके ऊपर साड़ी चढ़ाते हैं, चुनरी महोत्सव करते हैं, लेकिन जमुना जी को शुद्ध करें, परिष्कृत करें, गंगा जी को शुद्ध करें, परिष्कृत करें, और इस प्रकार से अत्यंत दिव्य लीला करते हैं। और दिव्य लीला का तात्पर्य यह हुआ कि महाराज भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि गिरिराज जी की पूजा करो, इन गिरिराज को, पहाड़ों को बचाओ, इन वृक्षों को बचाओ, इनकी सुरक्षा होना हमारा परम दायित्व है। और इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने उनके लिए अत्यंत दिव्य लीला की, और वो वहां पर उन कहते हैं जो गिरिराज जी हैं इनका पूजन करो। क्या ये दिखेंगे? बोले हाँ ये बिल्कुल दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? बोले जैसे हम दिख रहे हैं वैसे दिखेंगे, तुम्हारी तरह लाला। बोले हाँ। तो ये खाएंगे? हाँ। बोले जो कुछ बनाओगे ये सब खाएंगे। तो भगवान श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, नाना पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम बनो के सस्तात बन शैल निवासिना। हमारे बीच में हनुमान टेकरी के परम पूज्य महंत जी का पदार्पण हो रहा है। दो दो महंत जी वहाँ के पधार रहे हैं। हनुमान टेकरी बहुत काल से श्रीमद् वृंदावन की ब्रजभूमि में संतों की सेवा के लिए सुप्रसिद्ध है। निरंतर वहाँ पर 100 से ज़्यादा सैकड़ों, और वृंदावन में जब श्रावण का महीना होता है, विशिष्ट पर्व होते हैं, उस समय तो बहुत से सैकड़ों सैकड़ों संत, हजार हजार संतों की निरंतर पंगत होती है। ऐसी हनुमान टेकरी के परम पूज्य श्री महंत जी महाराज का हम बहुत बहुत इस मन से अभिनंदन, और श्री बड़े महाराज जी के नाम से ही जानते हैं। एक अद्भुत परंपरा हनुमान टेकरी की है। आपने किसी भी स्थान में एक ही महंत को देखा होगा, लेकिन हनुमान टेकरी में हरदम से ही दो महंत एक साथ रहते आए हैं। दो महंत, इसके पहले श्री राम स्वरूप दास जी महाराज थे, और उनके बड़े गुरु भाई हैं महाराज जी, इसलिए उनको बड़े महाराज जी के रूप में ज़्यादातर लोगों ने, मैंने निवेदन किया महाराज जी से कि महाराज जी पधारें और सबको दर्शन दें, तो बड़ी कृपा करके हमारे बीच में पधारे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी के सादर श्री चरणों में साक्षांग दंडवत प्रणाम करते हुए आग्रह करते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी का, और महाराज जी का नाम नाम जी, हाँ महाराज जी रामायणी जी महाराज जी वर्तमान आप महंत हैं ना अभी जी, हनुमान जी महाराज महंत जी हैं, बड़े महाराज जी हैं, और ये छोटे महाराज जी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो सेवा करते हैं। संतों का यही स्वभाव होता है, और सभी संत हमारे आश्रम में विराजते हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। परम सौभाग्य आपके पदार्पण से लीला में चारु चांद लगे भगवान की कथा में। तो भगवान श्याम सुंदर जी कहते हैं, नाना पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम बनाउक्षस्तात बन शैल निवासिना। भगवान ने कहा हम शहर के रहने वाले नहीं हैं, हम नगर के रहने वाले नहीं हैं,
हम लोग तो वन में निवास करने वाले हैं, हमारे देवता ये पहाड़ हैं, हमारे देवता ये वृक्ष हैं। गिरिराज जी को देखो, ये हमें जल देते हैं। गिरिराज जी को देखो, इनके ऊपर लगे हुए वृक्ष हमें फल देते हैं। इन्हीं गिरिराज जी के अंक में हमारी गैया जाकर के विचरण करती हैं, बालक जाकर के खेलते हैं। इसलिए जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, सन्निकट हैं, उनका पूजन हमें करना चाहिए। इनके पूजन का विधान क्या है? का पच्यंताम विविधा पाका सुपहता पाय सादया संया वा पूप सचकुल्या सर्वदोहश्च ग्रहीयताम। पच्यंताम विविधा पाका, विभिन्न प्रकार के पकवानों को आप बनाओ। सुपहता पाय सादया, सूप माने जो पेय पदार्थ है उनको भी बनाओ, जो खाने वाले हैं उनको भी, जो चाटने वाले हैं उनको भी। चार भात भोजन विधि गाई, चारों प्रकार के पकवानों को बना करके रखा गया। महाराज कहते हैं 56 प्रकार के व्यंजन बने। पच्यंताम विविधा पाका सुपहता पाय सादया संया वा पूप सुकुल्या सर्वदोहश्च ग्रहीयताम। संयावा पूप सस्कुल्या, सस्कुल्या मनी मालपुआ, उपमनी मालपुआ, पूड़ी, खीर, ये सारी चीजों का भगवान ने आदेश दिया। तथा च वदधु सर्वम यथा मधुसूदन, समस्त देखो आप छोटे बालक को भी इतना महत्व देना चाहिए। 7 वर्ष के हैं मेरे गोविंद, और नंद बाबा ने और समस्त ब्राह्मणों ने बालकों के उस अनुकथन का, गोविंद के अनुकथन का समर्थन किया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी को मालूम है कि भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है, इसलिए उनका हाँ ठीक कहते हैं। तथा च वदधु सर्वम यथा मधुसूदनः, जैसा मधुसूदन ने कहा उसी प्रकार से लोगों ने किया। और क्या क्या किया कि बाचयत्वा स्वस्तैनम तद्रव्येण गिरिध्वजान, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए गए, बड़े बड़े शकट निकाल करके रखे गए। किसी शकट पर मीठे मीठे चावल रखे हुए हैं, किसी पर गेरुए रंग के चावल हैं, और उन्हीं के ऊपर काजू पिस्ता बादाम आदि को नीलमणि जवाहरात की तरह टांग दिया गया है, अत्यंत दिव्यतम। और किसी में पुए पुए रस बरसते हुए चले जा रहे हैं, किसी में जलेबी है तो किसी में गुलाब जामुन है, किसी में इमरती है। अत्यंत दिव्यतम पदार्थों को लेकर के जब चले तो महाराज इस समय पर साक्षात गणेश जी महाराज आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इस पूजन में छोड़ दिया जाए। चारों वेद ब्राह्मणों का स्वरूप धारण करके आए, पैल वैशंपायन भृगु अंग्रा पुलह कणादि जावाली अत्रि और मरीच और वाल्मीकि जैसे बड़े बड़े ऋषिमुनियों का शुभागमन, सब गोविंद की इस लीला का साक्षात अनुभव करने के लिए चल रहे हैं। अत्यंत दिव्य लीला के साथ में चलते चलते जब वो गोवर्धन पहुंचे तो जतिपुरा में जहाँ मुखारविंद है वहां पर पहुंचे, और ब्राह्मणों ने पूजन शुरू कराया। ये पर्दाटा ब्राह्मणों ने जब पूजन शुरू कराया तो उसके बाद में महाराज अत्यंत दिव्यतम। अब शालग्राम जी होते हैं तो एक लोटा जल से उनका स्नान हो जाता है, स्नान हो गया। लेकिन ये जो लाला के ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तो 7 कोस के हैं, और गंगा जी वहां से बड़ी दूर, जमुना जी वहां से बड़ी दूर थी। अब उन्होंने कहा कि महाराज इतनी दूर दूर से पानी लाला करके उनके हाथ लाल हो गए। कहा कि लाला ये तेरा देवता तो बहुत बड़ा है, अकेले छोटे से शालग्राम जी होते तो अभी आराम से। तो बोले क्या करें, कुछ दया करना हमारे ऊपर। बोले क्या दया करें, कहा एक काम करो, एक काम करो ना, यहीं पर आप तो सब कुछ कर सकते हो, यहीं पर गंगा जी को बुला दो। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, और जो उन्होंने आंखें बंद की तो बोलो मानसी गंगा की जय हो। साक्षात मानसी गंगा जी वहां पर पधार गई। कामधेनु गाय जी भी आई है बाद में। अत्यंत दिव्यतम ठाकुर जी का विधिवत पूजन किया। सहस्त्र शेर खा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पाद सभूमि गंग सर्वतृत्वा तृष्ठद दशांगुलम पुरुख ए वेद गुं सर्वं जदभू भाव्यम। महाराज जी से पहले पूजन करा दो, उसके बाद में उनसे भी करा दो। महाराज जी से यहाँ पर ठाकुर जी का पूजन करा दो। महाराज जी ठाकुर जी का पूजन इधर करा दो, फिर उनसे करा दे।
मत्सासनान सने अभीततो विराड जायत विराजो अधि तो अतर्च तपश्चात भूमि मथो पुरा तस्मात् यज्ञा सर्वहूताः संभ्रदं मृगदाज्यम् पशुस्ताश्चकरे वायव्याना सर्वाहूता ऋचाः सामानि यज्ञि रे छन्दा घुंसि यज्ञि रे तस्माद्यजज तस्माद्यजायत तस्माद्दसवा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजदनि रे तस्माद्दसमाज्जाता अजावयः तञ्जदन्यं बाराहिक परोक्षन् भूरुखन् जातमगरताः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जे यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्याकल्पयन्न किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य यद् वैश्याः पदव्याघुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चकशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तर्क्षगुंसेष्णोद्यौ समवर्तत पदव्यां भो मृद्देशाः श्रोत्रात्तथा लोकान्नकल्पयन् रुखेण हविखा देवा यज्ञमदन्वदा वसन्तो स्यासीदाज्यङ्गेकम इदमः शरदविः सप्तास्यासन् परिदाय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवायन् तन्वाना अवघ्नन् पुरुषं पशुं मा जगनेन जन्यमायजन्त देवाष्ठानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहनाकं महिमानः शचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरिः ॐ तथा च वदधू सर्वं यथा मधुसूदनः वाच्यत्वा स्वस्तैनं तद्रव्येण गिरिध्वजः स्वस्ति वाचन करते हुए और गिरिवर के जो ब्राह्मण थे उनका पूजन किया। उन ब्राह्मणों ने अत्यंत दिव्य स्वर के साथ में स्वस्ति वाचन किया और क्या किया, उपहृत्य बलीन सर्वान आदृता यव संगवाम, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को गायों को समर्पित किया गया, बछड़ों को खिलाया गया। इसलिए इन गायों की सेवा करो, इन बछड़ों की सेवा करो, यही तात्पर्य गिरिराज जी की पूजन का कि जो तुम्हारे सन्निकट में प्रत्यक्ष देवता है इनकी पूजन करो। इसलिए यवसम गवाम गायों की पूजा करो, यही तो महाराज मनुष्य ब्रह्मा जी ने कहा था गाम यज्ञ ही पुरुषम यजो, गायों की पूजा करो। तो बहुत सुंदर दिव्यतम उनका पूजन किया गया और बहुत दिव्यतम पूजन किया, अत्यंत सुंदर आरती उतारने लगे। कहा कि लाला ये तो सब कुछ ठीक है, तुमने कहा था कि तेरे देवता दिखाई पड़ेंगे, दिखाई तो न पड़े। बोले अच्छा, बोले आंख बंद करो। और जो ही आंख बंद की, बोले आंख बोलो वृंदा बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए, चार भुजाओं के साथ में गिरिराज जी प्रकट हो गए। अब जितनी सामग्री रखी हुई थी चारों हाथों से उठा उठा करके गप गप खाने लगे। इतने जल्दी जल्दी खा रहे थे, गोप ग्वाल वालों ने कहा लाला ये तो ऐसे खा रहे हैं जैसे बहुत दिन के भूखे हों, ये कुछ प्रसाद साथ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। कहा चिंता मत करो, ये सब प्रसाद आप ही में बांट दिया जाएगा। सो महाराज अत्यंत अत्याति अक्षय देव लीला हुई और उसके बाद में
फिर उन्होंने क्या किया कि फिर भगवान की अवसात दिव्य लीला पूजन होने के बाद में गिरिराज जी की परिक्रमा आदि करके चले आए। इधर महाराज जिसको नित्य प्रति पूजन और दक्षिणा की आदत पड़ जाए और अगर उसे आप वर्ष में बुला करके पूजा और दक्षिणा ना दो तो कहेगा भैया भूल गए इस बार। तो नारद जी से ब्रह्मा जी ने इंद्र भगवान ने पूछा कि ये ब्रजवासी लोग हरदम हमारा पूजन करते थे, इस बार इन लोगों ने पूजन वूजन नहीं किया। नारद जी ने कहा कि महाराज अब आपकी पूजा क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने इष्टदेव बदल दिए। इष्टदेव बदल दिया, इष्टदेव उनके कौन हो गए? कहा गोवर्धन नाथ भगवान। ये बोले गोवर्धन नाथ कौन है? कहा ये तो वही जाने जिन्होंने पूजन कराया। पुरोहित कौन है? कहा इनके पुरोहित तो लाला है श्याम सुंदर। अच्छा इन गौ चारकों की इतनी हिम्मत, इंद्र तदात्मना पूजाम विज्ञाय अभिहताम नृपो गोपेभ्य कृष्ण नाथेभ्यो नंदादिभ्यच गोपसाह। और उसके बाद ब्रजवासियों पर इतना क्रोध उनको आया, इतना क्रोध आया कि समंतक अंतकारी मेघों का उन्होंने आवाहन किया और उनको बुला करके गणम सांवर्तिकम नाम मेघानाम चांतिकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे से मान्यत। अत्यंत कुपित होकर के संवर्तक नाम के मेघों को उसने आदेश दिया कि ऐसी मूसलाधार वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि संपूर्ण ब्रजमंडल को कागज की नौकाओं की तरह बहा दो। इन 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 ब्रजवासियों को पता तो लगे कि इंद्र का विरोध लेना कितना बड़ा काम होता है। अपने स्वामी इंद्र की आज्ञा को श्रोधारी करके उन बादलों ने गर्जना शुरू किया, भयानक मेघों की गर्जना शुरू हुई, उल्कापात होने लगा महाराज, समुद्र में ज्वारभाटा जैसी आने लगी, दिन में ही रात्रि जैसा दृश्य उपस्थित होने लगा, तारे और चंद्रगण दिखने लगे। समस्त गोप गोपाल दौड़े और दौड़े आए नंद बाबा के पास में कि नंद बाबा अब परिणाम भोगो, आप नहीं माने और लाला के कहने से जो गिरिराज जी का पूजन किया है इंद्र कुपित हो गए। और उसके बाद में श्री गर्गाचार्य जी ने कहा जिन गोविंद ने ये रास्ता बताया है तुम नहीं जानते हो, साक्षात भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं की शरणागति लो। देखो ये संपूर्ण गोवर्धन जी की लीला का जो मूल आशय है क्या है, इंद्र के जो अभिमान है उसको नष्ट करना तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रेरणा है वो है अनन्य शरणागति। नंद बाबा यदि भगवान जी के अनन्य शरणागति हैं तो फिर इंद्र का पूजन क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस तस्यात मूर्त्या ते भी वर्षंती भूतानाम पूर्णम, इसलिए इनको क्या जरूरत है। इसलिए अनन्य शरणागति का मतलब यह है कि वो इंद्र भी जिन देवता की पूजा करता है वो तुम्हारे बालक बनकर के गोद में बैठा हुआ है। इसलिए जब नंद बाबा अनन्य शरणागति से अपने लाला के सामने आते हैं भगवान उनसे भी शरणागति शब्द कहलवा लेते हैं। नंद बाबा और गोप ग्वाल वालों ने आकर के भगवान कृष्ण से कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्हातम गोकुलम प्रभु ता तुम्हारे हसी देवान्ना कुपिताद भक्त वत्सला। हे भक्त वत्सल, हे अकारण करुणारुणालय, हे मुरली मनोहर, कृष्ण कृष्ण इसलिए कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभु, आप समस्त ब्रजवासियों के आप ही नाथ हो, समस्त गोकुल के आप ही नाथ हो, इसलिए ता तुम्हारे से देवान्ना, ये जो कुपित देव हैं इन देवताओं से आपको हम सबकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि आपके कहने से ही हमने गिरिराज जी का पूजन किया, अब आप ही उपाय निकालो, अब सब करने में आप समर्थ हैं। भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम परग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहता। ये तो मेरा व्रत है कि जो सब कुछ छोड़ करके मेरे ही शरणागत आ जाता है, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत प्रग्रहम, जो मुझे इष्ट देव मान लेता है मेरे ही शरणागत सर्वतो भावेन आ जाता है, त्रात्मना तो मैं उनकी जरूर रक्षा करता हूँ। राम जी ने भी यही कहा है शक्र देवो प्रपन्नाय तवास्मीति चायाचते अवयम सर्वभूते व्योदधाम में तद्वतम्, जो एक बार मेरे सामने सिर झुका के कह देता है कि मैं तुम्हारा हूँ मैं उसके लिए पूरी तरह से रक्षा करता हूँ।
तो इस प्रकार से तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथ मत प्रग्रहम गोपाय स्वात्म योगे सोयम में व्रत आहता, ये मेरा व्रत है, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चलम, और इतना कहने के साथ साथ में ही नंदनंदन श्याम सुंदर ने हस्तारविंद के एक छिंगली उंगली को नीचे धसाया और संपूर्ण गिरिराज जी महाराज को उठा लिया। छत्राक्य में वो बालिका है, छत्राक जानते हो, रामचरितमानस में लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं तोरों छत्रक दंड तब प्रताप बलनाथ। वर्षा काल में कुकुरमुत्ता पैदा हो जाता है, छत्ता जैसा दिखलाई पड़ता है, दिखता जैसे छाता है, थोड़ा सी भी कोई वस्तु का स्पर्श हो जाए, कपड़ा भी छुल जाए, टूट जाता है। तो उसको उखाड़ करके हाथ में रखने में कौन सी बड़ी बीज बड़ी बात है, बोले छत्रा क्यों बालका जैसे बालक उठा लेते हैं। ऐसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। मोर गिरिराज धरण भगवान की जय हो, गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो, गिरिराज जी को धारण कर लिया। और इतना ही नहीं किया, उसके बाद में भगवान श्याम सुंदर ने शेषनाग जी को आदेश दिया कि महाराज आसपास में तो नीचे तो पानी नहीं आएगा, लेकिन आसपास से पानी आया वही बहा के ले गया तो मूसलाधार वर्षा हो रही, इसलिए शेषनाग जी से कहा आप चिपक करके जमीन से बैठ जाओ गोलाकार होकर के, बाहर का पानी अंदर बिल्कुल ना नहीं पाए। अच्छा अंदर नहीं आएगा लेकिन बाहर जमीन गीली होगी ना, तुम्हारी जमीन भी धस जाएगी, अगर आसपास पानी भरा रहे एक महीने तो आपकी जमीनें भी खिसक जाएंगी नीचे, तो बाहर भी पानी नहीं रहना चाहिए, उसकी भी सुरक्षा की। सुदर्शन चक्र को कहा आ जाओ ऊपर, इतने तेज तपो कि जैसे तवे के ऊपर पानी डालते ही छन्न हो जाता है, उस तरह जितना भी पानी बरसाए सब सूख जाए। और फिर उन्होंने अगस्त्य ऋषि का आह्वान किया कि आपकी उस समय आत्म तृप्ति नहीं हुई थी, तीन अंजलि में आपने समुद्र को पानी पी लिया था, आ जाओ बैठ जाओ गिरिराज के ऊपर, अगस्त कुंडा है वहां पर, आज जितना मन हो उतना जल पियो तुम। अगस्त जी महाराज आ गए, सुदर्शन चक्र आ गए, शेषनांग आ गए, चारों तरफ से सुरक्षित। लाला ने अपनी, अब मैया कहती कि देखो तो इसको कितना इतना वजन, तूने नख पर ले लो धार मणि, मेरे लाला तुम कितने छोटे से हो और छोटी सी उम्र मेरी बारे कन्हैया, तुमने गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बलराम जी से कहा कि थोड़ी तो मदद कर, तेरा छोटा भैया कितने देर से लेके खड़ा है। कहा तुम नहीं जानते हो तो साक्षात भगवान यही उपद्रव करता है, इसी को निपटने दो। मैया ने उठाई लकुट, कहा सब मेरे घर में आ गए, तुम नारायण हो गया और तू शेषनांग हो गया, सब मेरे घर में आ गए सब देवता। उसके महाराज अच्छे अच्छे दिव्य लीला हुई। गोप ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया अगर तू कहे तो मैं लाठी लगा दूं, गोप ग्वाल वालों ने लाठी लगा ली। श्याम सुंदर से कहा कि थोड़ी देर तू आराम कर ले, कहा मैं हटाऊं अपना हाथ, कहा हटाओ थोड़ी सी केवल लीला की, ठाकुर जी ने चटा चट करके लाठियां जब टूटने लगी तो उनका लाला लाला तू ही रक्षा कर, मेरे बस की बात नहीं है, हम और आप जो कर्तव्य करते हैं वो केवल लाठी के सहारे की तरह हैं, लेकिन इस सारा का सारा भार तो भगवान ही उठाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ग्रह कार जीना ना जंजाला, ग्रह कार जीना की जिम्मेवारियां गिरिराज जी की ही तरह हैं, ठाकुर जी की कृपा से इनसे पार पाया जा सकता है और संभव नहीं है। ठाकुर जी ने लीला की, संपूर्ण संपूर्ण जल था वो बरस गया, लेकिन कुछ भी ब्रजवासियों का जब नहीं बिगड़ा। सात दिन के अंतर्गत मेघ सारे खाली हो गए, इंद्र का अभिमान चकनाचूर हो गया। गोवर्धन धृते शैल आशा राधि रक्षिते ब्रजे, गौरव का दा ब्रजत कृष्णम सुरभि सक्रमेव सा। तो गोवर्धन धृतेशैल आशाराध रक्षते ब्रजे, भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज जी को धारण करके संपूर्ण ब्रजमंडल की रक्षा की। इंद्र का सारा अभिमान नष्ट हो गया। एक तरफ से गौलोक से गौ माता चली है कामधेनु जी ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए, इतने दिन से ठाकुर जी लगे हैं दुग्ध पिलाने के लिए, और गिरिराज महाराज इंद्र जी भी आए हैं, भगवान की शरणागति उन्होंने ली है। बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम, तमोमयम ध्वस्त
प्रभाव मायामयो यम गुण संप्रभाव ना विद्यते ते ग्रहणानुबंध ना विद्यते ते ग्रहणानुबंध विशुद्ध सत्तम तव धाम संत हे संत स्वरूप परात्पर परमात्मा आपको केवल वो महात्मा लोग ही जान सकते हैं जिनकी चेतनात्मक सत्ता आत्मसत्ता विशुद्ध सत्व में ठहरी हुई है और जो सतोगुण में नहीं है रजोगुण या तमोगुण आदि में डूबे हुए हैं ऐसे लोग आपके इस बपु को केवल बालक का स्वरूप मान करके भ्रम में ही पड़े रहेंगे उन्हें आपके तात्विक का ज्ञान हो ही नहीं सकता। और ये माया नहीं तो क्या है कि मैं इंद्र कितनी उपासना किया लेकिन फिर भी इस पद को प्राप्त करने के बाद में हे ईश्वर तुम्हारी ऐश्वर्यता के ज्ञान से मैं वंचित हूँ मुझे अभागे पर आप दया करो। भगवान उनकी शरणागति को स्वीकार करते हैं। ये अपराध मेरे कैसे मिटेंगे क्या इसका उपाय है कहे नारद जी से पूछो। और महर्षि नारद जी ने कहा परिक्रमा चतुर्वात अब आप महाराज गिरिराज जी की परिक्रमा करो और गिरिराज जी का पूजन करो ये तुमसे भी बड़े देवता हैं आज स्वीकार कर लो इनके सामने सरेंडर हो जाओ बस तुम्हारे पाप सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। शो महाराज इंद्र भगवान उनकी पूजन करते हैं और परिक्रमा करते हैं अत्यंत दिव्यतम परिक्रमा होती है। भगवान की मंगलमयी दिव्य लीलाएँ हमारे जीवन में बहुत सी प्रेरणाएँ देती हैं और उनको जीवन में उतारना चाहिए। एक थोड़ा सा पद गाते हुए हम लोग बड़े प्रेम से गुरुराज जी की परिक्रमा करेंगे। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन के तेरो सब संकट मिट जाए प्रक्रमा हो जाएगी मन से ही मन आप सोचिए गिरिराज जी की आप पूजन कर रहे हैं सब मिल प्रणाम पहले कीजिए सब मिल प्रणाम पहले कीजिए गिरिराज हृदय में धर लीजिए गिरिराज हृदय में धर लीजिए चलो मन में चलो मन में लोटा है आगे पुछड़ी को
जाए तू जा
मधुप श्याम नंदी। ये प्रतिमा केवल इंद्रादि देवताओं ने ही नहीं की, नंद बाबा के साथ में खुद नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी महाराज भी प्रतिमा करते हैं गिरिराज जी की। तो हमें और आपको प्रतिमा करके निश्चित रूप से भक्ति की प्राप्ति होती है, सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, नंदी बाबा के संग मधुप श्याम, नंदी बाबा के संग मधुप श्याम, करे जोड़ो से। यह संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा में आज के दिन गिरिराज जी के महोत्सव की दिव्यतम कथा संपूर्णता की ओर चल रही है। भगवान की जो दिव्यतम लीलाएं हैं